आगामी बीएमसी चुनाव को देखते हुए अमित शाह एक्शन में आ गए हैं। कल देर रात अमित शाह मुंबई पहुंचे। आज सुबह उनके सह्याद्री गेस्ट हाउस पर सीएम एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहुंचकर उनसे मुलाकात की, जिसके बाद अमित शाह मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार पर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने लालबाग के राजा के दर्शन लिए। इसके बाद अमित शाह ने बांद्रा स्थित सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल का भी दर्शन लिया। इस वक्त महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इसके साथ ही भाजपा मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार उनके साथ मौजूद थे। इस समय पर ढोल नगाड़ों के साथ असंख्य कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया गया। वहीं अमित शाह के आने पर भाजपा की महिला उपाध्यक्ष ने बताया कि हमारी सरकार आने के बाद महिलाओं की सुरक्षा बढ़ गई है। बहुत खुश है कि हमारे केंद्रीय मंत्री इतने बड़े होने के बावजूद भी वो मुंबई आके सब मेन मेन जगह पर जाके दर्शन कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा उन्होंने इतनी बढ़ाई है कि हम लोग बहुत सुरक्षित समझते हैं अपने आप को। आपने तो देखा होगा, बस हो, ट्रेन हो या पुलिस कर्मचारी हो, महिलाओं को हर जगह पे पहला सम्मान दिया जाता है। महिला सुरक्षा के लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत मजबूत है। कांग्रेस गवर्नमेंट में आपको तो मालूम है निर्भया कांड है, वो कितने सारे कांड हुए हैं, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद तो महिलाओं को पहला ध्यान दिया जा रहा है। आरक्षण के लिए महिलाओं के लिए 50% दिया गया है, जो पहले नहीं था। इवन ओबीसी का भी आरक्षण जो है, हमारे फडणवीस जी साहब ने जो आशीष जी ने मेहनत की है, उसका फल हमें मिला है और हम बहुत 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 खुश हैं। आपको बता दें कि अमित शाह ने लालबाग राजा के दर्शन के बाद भाजपा की कोर कमेटी की बैठक ली। अमित शाह के इस मुंबई दौरे को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि शिंदे फडणवीस सरकार बनने के बाद पहली बार अमित शाह मुंबई आए थे। मेट्रो मुंबई के लिए सुरेंद्र झोटिंगे की रिपोर्ट।